rush and mess. Baby, wanna get crazy, take it slow. तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो यहाँ पर मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप एडिट करके भी इसे बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक रेडीमेड तरीका बताने वाला हूँ। लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये जो तरीका है ये वो सब लोगों के मोबाइल पर काम करेगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जो नए नए हाई एंड मोबाइल है उनके ऊपर ये जो तरीका है वो काम कर जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, आपकी कोई भी दो फोटोज़ आपको रेडी करके रख देनी है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है सिक्योर वीपीएन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। और जो सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है उसका नाम है कैपकट एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर अभी मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये जो कैपकट एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि इंडिया में ये बैन है। तो आप इसे गूगल पर सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हो, इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेने हैं। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले आपका मोबाइल जो है वो इंटरनेट या वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योर वीपीएन का जो एप्लीकेशन है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद स्क्रीन के नीचे आपको एक कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो वीपीएन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको मिनिमाइज़ करना है, क्लोज नहीं करना। तो इसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का एक पेज आपके मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल पे भी आपको शो हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो आपको एक ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखेगा, एक अलग चाइनीज लैंग्वेज में दिखेगा, रेड कलर का एक बार दिखेगा, उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये एक्चुअली टेम्पलेट है, टेम्पलेट यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपका कैपकट एप्लीकेशन है वो अपने आप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद नीचे आपको एक यूज टेम्पलेट का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर आपको एक फ़ोटोज़ का ऑप्शन दिखेगा, तो फोटोज़ के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। और यहाँ पर अभी आपको आपके कोई भी दो फोटोज़ को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट और ये सेकेंड। दो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो ऑलमोस्ट जो वीडियो है वो रेडी हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर इसे पॉज करना है। पॉज करने के बाद नीचे आप देख सकते हो जो फर्स्ट फोटो है, तो फर्स्ट वाले फोटो को ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो एडिट के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे आपको एडिट टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो फर्स्ट स्क्वायर दिख रहा है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर अभी आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अभी आपको खुद का नाम ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ऐसे विकी डाल दूँगा। फिर यहाँ पर डन का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जो सेकेंड ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी हाइट इन सेंटीमीटर ऐड कर देनी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से आपको टाइप करना है। जो थर्ड है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको आपका बर्थ ईयर टाइप करना है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर डन करना है। और जो लास्ट है यहाँ पर आपको आपकी कंट्री का नाम ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप करूँगा और डन कर दूँगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ये वीडियो जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। आपको एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पर ये चारों ऐड कर देना है। चारों ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार इसे प्ले करके देख लेना है। तो यहाँ पर आप इसे प्ले करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर इसका एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस वीडियो को अगर आपको आपके मोबाइल के गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन फिर से दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बनाया हुआ जो वीडियो था ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक डन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इसे आपको मिनिमाइज या क्लोज कर सकते हो। आपके मोबाइल की गैलरी ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका जो वीडियो आपने बनाया हुआ था वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप एकदम आसानी से बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।